इसका बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि उनके काम के साथ साथ हम हमारा हाथ बटाएं और गंदगी छोड़ो भारत के लिए हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए इनको भी प्रोत्साहित करें और हम भी साथ में प्रोत्साहित हो गए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप गंदगी छोड़ो भारत का जो अभियान है जिसको हमने स्वच्छ भारत अभियान के साथ में ज्वाइन करके महाराष्ट्र स्टेट के लिए काम शुरू कर दिया है, उसके अंदर हमने देखा जो बम्बई के ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सफाई थोड़ी कम होती है, तो हमने कहा कि वो बीएमसी के लोगों के साथ मिलके हम इनको और ज़्यादा एक्टिव करें, उनको थोड़ा सा और इनक्रेज करें, जिसकी वजह से सफाई में काफ़ी मदद मिलेगी। इस वजह से हमने आज झाड़ लगाने का भी मौका शुरू कर दिया है, क्योंकि स्वच्छ रहने के लिए, अच्छी आबोहवा के लिए झाड़ सबसे बेहतरीन चीज़ होती है जो इंसान को स्वस्थ भी रख सकती है। तो हमने कहा कि उसकी भी शुरुआत की जाए, तो हमने झाड़ लगाए और हमने 50 झाड़ बीएमसी के ज़रिए लोगों को डोनेट करने की का भी अभियान शुरू किया है और हम आज उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। आज का दौर आपको पता है कि कोरोना का चल रहा है और इसके अंदर ज़्यादा जो लोग एंड तक जाते हैं इस बीमारी को पकड़ के, वो सांसों की तकलीफ़ की वजह से जाते हैं, तो हमने इसके लिए इस पंचलाइन को फेमस करने के लिए और लोगों के अंदर जागरूकता डालने के लिए शुरू की है कि सांसें हो गई कम और हमें सांस लेने के लिए जो ज़रूरत होती है वो पेड़ हमारा काम कर सकते हैं, जो नेचुरल हैं उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं अपने अतराफ में और अपने आप को स्वस्थ रखें। दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड फाउंडेशन जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, हमारी खुशकिस्मती है कि हम उससे भी जुड़े हुए हैं और हम उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो अशफाक साहब के साथ मिल के हम दादा साहब फाल्के के जो लोग हैं जो काम करते हैं उनके पास भी हम जा रहे हैं और उनके भी जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जब ये अभी शूटिंग थोड़ी शुरू हुई है तो उनको थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया, तो हम उनको भी इनक्रेज कर रहे हैं कि आपको रोज़गार मिलेगा और जो फिल्में शुरू होंगी या जो शूटिंग शुरू होगी उससे उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा, तो हम उन लोगों को थोड़ा एजुकेट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ स्वच्छ रहने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने का भी उनको हम सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आप देखने जाएँ तो हमने अपनी ज़िंदगी में काम को सबसे ज़्यादा इबादत समझी है और काम मेहनत करने के लिए हमको पता है कि जब इंसान जब मेहनत करता है और अपने एक पैशन के तरीके से ज़िंदगी गुजारने की सोचता है तो उसके लिए 24 घंटा भी कम है, लेकिन एक रابطہ बना हुआ है 24 घंटे का, तो मेरे ख्याल में हम 2 या 3 घंटे मैं आराम करता हूँ, उसके बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं लोगों के सामाजिक काम करने के लिए गुजारता हूँ।